टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, इवेस चौराहा, मेरठ। 19 और 20 साल की उम्र में कमिटेड, कुछ समय बाद ही ब्रेकअप और अंत में जीवन लीला समाप्त, यही कुछ निकलकर सामने आ रहा है। पेपला गांव के देवेंद्र व साक्षी हत्या और आत्महत्या प्रकरण। शुरू में ये बात निकलकर सामने आई थी कि दोनों को एक कक्ष में पाए जाने पर परिजनों द्वारा ऑनर किलिंग में हत्या कर दी गई थी, लेकिन अब दृश्य बदल रहा है। पुलिस छानबीन में पता चला है कि इन दोनों के बीच तीसरा आ गया था, जिससे क्रोधित देवेंद्र ने साक्षी के घर जाकर पहले उसे गोली मारी और फिर खुद मौत को गले लगा लिया। हालांकि देवेंद्र के परिजन अभी भी यही आरोप लगा रहे हैं कि उनके बेटे देवेंद्र की घर से बुलाकर हत्या की गई है। पुलिस जांच जारी है। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं फास्ट बाइट टीवी। मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के पेपला गांव में रविवार को ये घटना हुई थी। जिस वक्त लोगों को इस घटना का पता चला तो पाया कि देवेंद्र की मौत हो चुकी है, जबकि साक्षी की सांसें चल रही थी। उसे सुभारती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसकी भी मौत हो गई। ये घटना साक्षी के घर में हुई थी। पुलिस छानबीन में ये भी सामने आया है कि इस घटना को अंजाम देने से पूर्व देवेंद्र ने शराब का सेवन किया और तेज में साक्षी के घर पहुंचकर उसकी बेवफाई पर नाराजगी जताई। बात बढ़ी और उसने पहले साक्षी को गोली मार दी और ये कहते हुए खुद का भेजा गोली से उड़ा दिया कि अब तेरे बिना मैं भी जिंदा रहकर क्या करूंगा। 19 साल का देवेंद्र 12वीं के पेपर दे रहा था, जबकि 20 साल की साक्षी सीए की तैयारी कर रही थी। सोमवार को मेरठ एसएसपी रोहित सिंह साजवान ने मीडिया को यह जानकारी दी। थाना जाने के अंतर्गत एक युवक का शव एक युवती के घर से बरामद हुआ था और जो युवती थी वो घायल अवस्था में, युवती के जो परिजन है उसको सुभारती हॉस्पिटल ले गए थे, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में जो गांव है, गांव में जो युवती का घर है, वहाँ पे एक तरह से दो जो युवक और युवती उनका गोली लगा हुआ शव एक तरह से मिला है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। प्राथमिक जो जाँच पुलिस के द्वारा की गई है उसमें जो तथ्य हैं उससे प्रतीत होता है कि युवक के द्वारा युवती के घर जाकर पहले तो युवती को गोली मारी गई, उसके बाद स्वयं अपने आप को गोली मार ली गई। मौके से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ था और इसमें हमारे द्वारा जो फॉरेंसिक जांच की गई है और जो सीन ऑफ क्राइम जो घटनास्थल है उसका बारीकी से निरीक्षण किया गया, उसके आधार पर और जो उसके जो मोबाइल फ़ोन के जो डेटा है उससे पता चला है, इसमें जो युवक है और युवती है उसका ब्रेकअप हो गया था। दोनों एक पिछले 1.5-2 साल से प्रेम प्रसंग में एक दूसरे के साथ थे और इसमें जो युवक है उसके द्वारा उसी दिन जो 11 बजे के आसपास एक स्टेटस लगाया गया जिसमें बताया गया कि उसका ब्रेकअप हो गया और वो बहुत दुखी है, इस तरह की बातें थी। साथ में उसके बाद उसने जो उसका दोस्त है उसके साथ शराब पी और शराब पी कर उसने अपने दोस्त से कहा कि वो जाकर जो युवती है उसकी हत्या कर देगा और उसके बाद तुरंत उठ के वो गया और युवती के घर जाके उसने इस घटना को अंजाम दिया। और इसके बाद भी घर वालों की तरफ से जो भी प्रार्थना पत्र या जो भी तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर और गहराई से इसमें विवेचना की जाएगी, जिससे कि अगर कोई और भी तथ्य प्रकाश में आएगा तो उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फास्ट बाइट टीवी और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। फास्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।